हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने लाइफ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने इंस्टाग्राम की पुरानी से पुरानी आईडी को वापस कैसे लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी पुरानी आईडी को ओपन करना चाहते हैं तो कैसे ओपन करेंगे, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा एंड तक वॉच करना है ताकि जो हम बताएं आप समझ सकें। जब तक एंड तक याद करें सॉरी याद करेंगे आप सॉरी देखेंगे तो क्या होगा कि आपको वो समझ में आएगा वीडियो, आप ये जो प्रोसेस है ओपन करने का वो आप कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, स्मॉल से छोटा ही वीडियो बनाएंगे ताकि आप अपनी पुरानी से पुरानी जियो इंस्टाग्राम आईडी को वापस ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि भाई के चैनल पर आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो डेली मिलते रहते हैं, अपलोड होते रहते हैं। हर फोन के बारे में, फोन की प्रॉब्लम हो या एप्लीकेशन की प्रॉब्लम हो या फोन की सेटिंग या न्यू अपडेट के बारे में पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, टिप्स भी मिलेगी यूट्यूब के। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है थ्री डॉट का ऑप्शन, तो थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। मैं आपको जो आईडी मेरी लॉग आउट हो गई है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से, तो मैं उसको आपको वापस ला के दिखाऊँगा इसी तरह लाइव प्रूफ डिटेल से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपको क्या करना है, ऐड अकाउंट में जाना है। जैसे ऐड अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, दो ऑप्शन दिखेंगे, एक नीचे दिखेगा क्रिएट अकाउंट का, एक दिखेगा लॉग इन्फो इंटो एक्सप्रे अकाउंट का। तो ऊपर वाले में जैसे आप टच कर देंगे तो यहाँ पर आपकी आईडी पहले तो शो हो जाएंगी। अगर नहीं शो होती तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है स्विच अकाउंट में। स्विच अकाउंट में जैसे आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने नंबर डाल देना है। ब्लैक दिख रही होगी अगर स्क्रीन, तो पहले दिखेगा मोबाइल नंबर या तो जीमेल दिखेगी, नीचे दिखेगा पासवर्ड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने जीमेल नंबर या पासवर्ड जो भी है यानी कि डाल देना है। तो जैसे मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पर अपने जीमेल का पास, वो अपने जीमेल का नाम ही डाल देंगे या तो यहाँ पर जीमेल का नाम डाल दिया मैंने और इसको मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ। अगर नहीं लॉगिन हो रहे तो गेट हेल्पिंग में जाके और क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे नहीं लॉगिन हो गेट हेल्पिंग में जाएंगे और गेट हेल्पिंग में जाने के बाद आपको अपनी जीमेल वो ऐड हो जाएगी अपने आप। ऐसे नेक्स्ट कर देंगे, जैसे गेट हेल्पिंग में जाएंगे तो यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो ऐसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये ऐड हो गई है, इस जीमेल में आपका कोड आ जाएगा जीमेल अकाउंट का। तो इस जीमेल में हम चलिए चलते हैं और यहाँ से अपने जीमेल में जाके उस जीमेल का यानी कि जो कोड होगा उस कोड को ले रहे हैं। जैसे अभी मैं देखता हूँ ये यहाँ पर कोड आ गया हमारा, तो इस कोड को मैं कॉपी करके और वहाँ पर क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, इसके बाद बैक आ जाते हैं। बाइक आने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर जाके अपना क्या करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे पेस्ट कर दूंगा यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा, नेक्स्ट करने के बाद आपकी जीमेल ऊपर शो हो जाएगी। तो वो जीमेल को आपको टिक करके क्या कर लेना है, लॉगिन इन्फो थ्री अकाउंट में आपको क्या कर देना है, चले जाना है नीचे से लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन कर रहे हैं थोड़ा प्रोसेस मांगेगा, इसके बाद आपकी वही आईडी, ये देखिए हमारी आईडी क्या हो गई है, ओपन हो गई है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को दबाएँ। चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगली कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।